देश भर में आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसमें किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी मुद्दे को लेकर दो संप्रदायों के बीच मुठभेड़ होती रहती है। तो कई बार तो ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें मामला मॉब लिंचिंग तक पहुंच गया और इस मॉब लिंचिंग में कई लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है, जैसे कि पालघर में साधु हत्याकांड में जिसमें दो निर्दोष साधुओं को बेरहमी से लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला था। इस बीच एक ऐसी ही बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से सामने आई है जिसमें मॉब लिंचिंग का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर आजनौख गांव में गौवंश ले जा रहे गौ तस्करों को ग्रामीणों ने घेर लिया। इस बीच खुद को घिरता देख गौ तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में ग्रामीणों ने भी फायरिंग की। इसके बाद ग्रामीणों ने तस्करों को चारों तरफ से घेर लिया और सभी की पिटाई करनी शुरू कर दी। इसमें एक की मौत हो गई है जबकि तीन गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से एक पिकअप, 6 गौवंश बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि तस्कर हाथरस से गौवंश को चोरी कर गाड़ी में लाद रहे थे कि तभी मेवात के लोगों ने उनको धर दबोच लिया। मिली जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ जिले के गोंडा कस्बे के रहने वाले शेरा कदीम शहजाद अनीश रहमान ने हाथरस में गौवंश की चोरी की और उसे थाना कोसी कला क्षेत्र से होकर मेवात ले जा रहे थे। देर रात करीब 3 बजे आजनौ गांव में गौशाला चलाने वाले संत चंद्रशेखर बाबा और साथ ही ग्रामीणों को सूचना मिली कि कुछ गौ तस्कर गौवंश को लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद सूचना पर बाबा ने गौ तस्करों का पीछा किया। तुमौला गांव के पास ग्रामीणों ने गौ तस्करों को घेर लिया। भीड़ से खुद को घिरता देख गौ तस्करों ने तो फायरिंग ही शुरू कर दी, जिसके बाद जवाब में भीड़ से भी कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। इस तरह करीब 1.5 घंटे तक संघर्ष चलता रहा, जिसके बाद आखिरकार गौ तस्करों भीड़ के हत्थे चढ़ गए। घेराबंदी कर ग्रामीणों ने सभी तस्करों की खूब पिटाई की, जिसमें शेरा नाम के तस्कर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि ग्रामीणों और तस्करों के बीच मुठभेड़ की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स के साथ SP देहात श्रीश चंद मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि गांव तुमौला में कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई है। इस मामले में सबूत जुटाए जा रहे हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना कोसी कला क्षेत्र अंतर्गत तुमौला गांव में कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई है। प्रथम दृष्टया यह गौकर बताए जा रहे हैं और इनको द्वारा बताया गया है कि कुछ ग्रामीणों ने इनके साथ मारपीट की गई है। साथ संकलन किया जा रहा है, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग होंगे? इनके द्वारा 5 लोग बताए जा रहे हैं और फिर भी गहराई से जांच की जा रही है कि कुछ और ने लोग होंगे तो फिर कार्रवाई। सर सुना एक गौ तस्कर की मौत भी हो गई है। अभी एक व्यक्ति की वहाँ मौके पर मृत्यु का शव प्राप्त हुआ है और देखा जा रहा है कि इनके साथी थे अथवा नहीं। अभी प्रथम दृष्टया इनको द्वारा अपना साथी बताया गया है और अन्य साथ संकलन करके कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के रहने वाले सर थे ये सब लोग? ये अलीगढ़ से कुछ आ रहे थे और बुलंदशहर के रहने वाले थे, अरनिया के, और इनके द्वारा यह बताया गया है। फिर भी तस्दीक किया जाएगा और सत्यापन करके कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बाबा गौशाला चलाने वाले चंद्रशेखर को गौवंश की चोरी की खबर किसने दी, किस आधार पर उन्होंने युवकों की घेराबंदी की। तो देखा आपने, पूरे उत्तर प्रदेश में गौ तस्करी के खिलाफ कानून होने के बावजूद इन गौ तस्करों के हौसले बिल्कुल भी पस्त नहीं हो रहे हैं और ये लगातार इस तरह से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस तरह से गांव वालों का भी यूं तस्करों पर जानलेवा हमला कर देना वो भी सरासर गलत था। तो मामले की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और तस्करों के साथ साथ मॉब लिंचिंग में हिस्सा लेने वालों को भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सख्त सजा भी मिलनी चाहिए, ताकि समाज में शांति बनी रहे और आगे से ऐसा करने वालों की रूह कांप जाए। VK न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद। पता क्या, सवेरे 3:30 बजे मुझे खबर मिली कि गौ तस्करों की गाड़ी गांव में घेर ली है। अब गांव में पता नहीं भीड़ आ रहा पड़ी तो मेरे को जैसे ही सूचना गई मैं मोटरसाइकिल लेके गया, इस गाड़ी को खिंचवा के ले आया। 3 तस्कर है, उन्हें कुछ बुजुर्ग कुछ हम लोग मिल करके उनको बचाया, छुड़ा करके ले आ करके आपके कोगलाबंद चौकी उनको सौंप दिया। यही काम था बस, उनके जीवन निकल रही थी, 6-7 कई लत रही थी तरह ऊपर और उन पर ये बैठे थे। गांव ने रोकने की चेष्टा की होगी उनकी अपनी, फिर गांव के सब टूट के पड़े। रात में जगार हो गई 3:30 बजे, सब गांव वालों ने मिलकर के उन गायों को रोका, ईटा पाटी कर दी। हम भी पहुंच गए कुछ बुजुर्गों ने, हमने इनको बचा करके चौकी दे दिया नंदगांव सुरक्षा। बाबा सुन रहे, एक आदमी मर गया है वहाँ पे, मुझे मरा अरे जी कोई पता नहीं। ये बता रहे हैं कि गाय जो तस्कर है उनसे भी कई बार आपकी भिड़ंत हुई है, आप रोक गाय तस्करों को रोकने का? नहीं, भिड़ंत उनने हम पर किया, हम नहीं कभी परसों की। हम तो एक मोटरसाइकिल लेकर फरसा लेकर लेते हैं, केवल एक ड्राइवर और हम,
दो जने रहते हैं, केवल आते हैं, मतलब लैब के भी नहीं चलते किसी गाय की सुरक्षा के लिए। गाय की सुरक्षा के लिए प्रशासन का भी सहयोग रहता है, प्रशासन को लेकर के हम करते हैं जो भी करते हैं। अब तक आपने कुछ गाय पकड़ी है? हाँ, वो गाय पकड़ी गई तो एक गाड़ी जैसे वो बरसाना प्रशासन ने पकड़ी थी, नाम का डाक पार्सल लिख रही थी, तो वो गाय बचा करके उनको ले गए, जमा किया उनको। ये भी सुनने में आया कि आपकी गाड़ी के द्वारा इनको रोका गया, वरना ये रोकते नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो मोटरसाइकिल पर अपाचे पर रहते, और जो गाड़ी मैंने मंगाई वो गाय उसको ले जाने के अलट पलट करने और कुछ नहीं था, वो तो सब हमारी गाड़ी नहीं, हम तो अपाचे गाड़ी से रहते हैं, मोटरसाइकिल रहती है, हम तो टी वी ऐसा उसी तरह से।